दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए आपने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हर छोटी घटना पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन दादरी पर चुप क्यों हैं? उसमें क्या उनकी सहमति है, क्या उनकी मौन स्वीकृति है? इसी प्रकार वाराणसी में जो उनका चुनाव क्षेत्र है, पिछले 10 दिन में 2 बार साधु संतों पे लाठीचार्ज हुआ है। किस बात पर हुआ है? गणेश विसर्जन, जिस गणेश जी की स्थापना महामहिम राज्यपाल जी राम नायक जी ने की थी, उसका विसर्जन प्रशासन ने नहीं होने दिया। 2 दिन तक गणेश जी की प्रतिमा सड़क पे खड़ी रही। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई इसमें विसर्जन करवाइए। उस बात को लेकर लाठीचार्ज हुआ। कल हिंदू वाहिनी के लोगों ने सारा जो एक शांतिपूर्ण मार्च था उसमें दंगा फसाद किया, उसमें फिर से साधु संतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, अत्याचार हुआ, उस पर भी मोदी जी मौन क्यों हैं? उस पर भी उनकी मौन स्वीकृति है क्या? सर, बिहार में सुशील मोदी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो गौ हत्या बंद करा देंगे। अरे वहां तो पहले से कानून है।